आओ सतगुरु दशमेश पातशाह दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाईए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो जिस तरह असी सारे जानते हाँ कि यह तीन खेती कानून जिन्हां नूं रद्द कराउण दे लई कल्ले पंजाब जां हरियाणा तो नहीं पूरे भारत तो लोग हाँ दा नारा मार चुके ने और पूरे भारत तो लोग एकजुट हो के एक मंच ते इकट्ठे हो चुके ने। सो किसे शायर ने बहुत सोहणियां लाइनां लिखियां ने, कहिंदा ओए मोदिया तेरी केतली भी खाली तेरी डिगरी भी जाली, तेरी केतली भी खाली तेरी डिगरी भी जाली, एवें जाली ही कानून वे तू फिरे घड़दा। ना किसानी का फिक्र, ना जवानी का फिक्र, ते ना तेनू अपनी जनानी का फिक्र, ताइयों नित ही विदेशों विच जा वड़दा। ओ तेरे मोहरे बन्ने हाथ साडे मगरों तू लथ, माड़ी औट पुट तेरी सरकार दी, तेरे मोहरे बन्ने हाथ साडे मगरों तू लथ, माड़ी औट पुट तेरी सरकार दी, जड़ी देश नू ही खाजे खुंजे सारा कुछ लाजे, सानू लोड़ नहीं एहो जही सरकार दी, सानू लोड़ नहीं एहो जहे चौकीदार दी। सो लोको तुसी सारे ने जदों 2014 दी इलेक्शन तो पहला जां 2019 दी इलेक्शन तो पहला प्रधानमंत्री मोदी दे भाषण सुने तां उस दे विच ओ हर स्टेज तो चीका मार मार के यह गल कह रहा सी कि मैं चाह वेचण वाला आ, मैं एक बिजनेसमैन बंदा आ। सो जिहड़े बंदे दी फितरत बेचना होवे ओ कदे किसे नूं कुछ दे नहीं सकदा, ते जे दऊगा तां उस दे बदले दे विच ओ कुछ ना कुछ तुहाडे कोलों जरूर प्राप्त करूगा। सो उसने अपनी फितरत बदली नहीं, वो जो शुरू तो कह रहा सी कि मैं चाह वेचदा रहा, मैं आ वेचदा रहा, तो उसने हुण उसे ही अपने बिजनेस नूं इन्ने वड्डे लैवल तक अपने शौक नूं इन्ना वड्डा कर लिया कि वह अज साडियां जमीनां तक पहुँच गया। पर उस नूं इस गल का अंदाजा नहीं सी कि यह किसान मजदूर ओ लोग ने, ओ हथ ने जिहड़े बंजर जमीन दे उत्ते पै जाण तां उत्थों सोना पैदा कर दिंदे ने, ते ए हथ मोदी दी गिच्ची दे विच इहो जिहे पैणगे कि उस नूं उस दीआं आउण वालीआं नसलां तक याद रहेगा कि किसे टाइम मैं किसान दे नाल, मैं मजदूर दे नाल धक्का करन दी कोशिश कीती सी। जो इसदा दिमाग आ, इसने हर एक चीज़ नूं हर एक अदारे नूं लगातार प्राइवेट करन जा रहा है, प्राइवेटेशन वाल वध रहा है। उस दी एक बहुत वड्डी वजह आ कि रेलवे प्राइवेट इहदे बंदिआं दे कोल, एयरपोर्ट प्राइवेट इहदे बंदिआं दे कोल, खेती प्राइवेट करन दी कोशिश जो कि इहदे बंदिआं दे कोल। सो कल नूं आउण वाले समें दे विच साडियां आउण वालीआं पीढ़ियां सरकार किसे दी भी बना देणगीआं, पर पिछे बैठा ए सारी उम्र साडे ते राज करेगा, क्योंकि जो वड्डे अदारे पूरी दुनिया दे विच सब तो वड्डा रेल नैटवर्क भारत दा मन्निया जांदा, सो उस नूं इहनां ने अपने कब्जे दे विच कर लिया। पर एक गल तुसी सारे हथ जोड़ के बेनती करदा मैं कि जरूर मनो कि असी सारे हर बार इस स्टेज तो सुनते हाँ जां होर किसानी अंदोलन की किसी भी स्टेज तो सुनते हाँ कि गोदी मीडिया, गोदी चैनल जां जो भी मोदी भगत, आर एस भगत, जो लोग भी ये लोग साडे घरां दे विच साडे बैडरूम दे तक पहुँचे हुए ने, उसका जरिया है टीवी। सो तुसी एक काम जरूर करो कि अपने घरां दे विच, अपने पिंडां दे विच, हर जगह हर शहर दे विच जिन्हें भी इन्हां दे चैनल ने उन्हां नूं केबल ऑपरेटरां नूं, डिश टीवी ऑपरेटरां नूं फोन करो ते तुरंत तो तुरंत बंद करवाओ, एक हफ्ते दे विच इन्हां नूं अपने घरां दे विचों बाहर कढ दिओ। सो आउण वाले समें दे विच जे तुसीं इन्हां दा बाइकाट करोगे, सिर्फ इन्ना ही नहीं कि इत्थे सुन के चल गए तो असर नहीं किया, इन्हां दे चैनल देखने बंद कर दिओ, इन्हां दा जो भी प्रचार करदा आ उस नूं सुनना बंद कर दिओ, जो भी बंदा इन्हां दी हमायत च नारा मारदा उस नूं इग्नोर कर दिओ, अपने बंदियां दी सपोर्ट करो, किसानी दी सपोर्ट करो। जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर एकता।
किसान मजदूर एकता मोदी सरकार बोले सोनेहाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक जरूरी बेनती है जी, पिंड स्वर्ण सिंह वैरो के मोगा तो